नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। वैकेंसी का वेट कर रहे हो आप लोग, वो भी टीचर की वैकेंसी का। दो तरह की वैकेंसियां हैं, एक वो जो 46,500 जिनकी संख्या है उसका आप वेट कर रहे हैं, लेकिन एक और वैकेंसी है 3,500 के आसपास, और ये बहुत ही जल्दी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। इसका डेट शेड्यूल, इसकी योग्यता, इसका सैलरी पैकेज, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं जो आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, इसमें बहुत कंजूसी कर रहे हो आप लोग। वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, चैनल पसंद नहीं आ रहा है, इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी बताई हुई हर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक ही होती है। जरूर कई बार कड़वी होती है या कई बार आपको पसंद नहीं आए भले ही, लेकिन होता बिल्कुल सही है। चलो, यहाँ हम बात कर रहे हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो मैं बात कर रहा हूँ वैकेंसी गेस्ट फैकल्टी की, और पदों की संख्या है 3,127। अब इसमें सारी चीज़ें आपको क्रम वाइज बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बता देता हूँ कि इसमें सैलरी आपको कैसे मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रति घंटे के हिसाब से इसमें मानदेय आपको मिलेगा, और ये जो पद हैं आपके, ये स्थाई पद जब भरेगा, मान लीजिए आपको भूगोल का टीचर बना दिया संविदा के रूप में या प्रति घंटे के हिसाब से गेस्ट फैकल्टी में, और जब रेगुलर पद भरेगा तब तक आप रहेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी पोस्ट खत्म हो जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये अस्थायी भर्ती है, और इसमें पद एक बार कुल देखें हम तो 3,127 है, लेकिन इसको डिवाइड किया हुआ है माध्यमिक शिक्षा में और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में। तो पहले माध्यमिक शिक्षा में बता देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो इसमें लेक्चरर के जो पद हैं, व्याख्याता के, वो है 242, वरिष्ठ अध्यापक के 1,017 पद हैं सीनियर टीचर के, और अध्यापक लेवल 2 के 230 और अध्यापक लेवल 1 के 165, और सीनियर PTI के फिजिकल टीचर के 23 पद हैं। ये है आपके सेकेंडरी एजुकेशन वाले पद। अब है प्रारंभिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन के, तो इसमें अध्यापक लेवल 2 के 536 हैं और लेवल 1 के 679 हैं। PTI ग्रेड 3 के 235 पद हैं। और अब बात कर लेते हैं इसका आवेदन, आवेदन कहाँ आपको करना है, कैसे करना है, ये चीज़ बता देता हूँ। तो आवेदन के बारे में अगर आपको मालूम करना है तो पंचायत राज विभाग में आप मालूम करना, पहली बात। वहाँ नहीं हो तो PEEO बैठता है आपके, ठीक है ना, उसके ऑफिस में मालूम करना है। संबंधित स्कूल से जो भी जानकारी जाएगी PO पे जाएगी, PO के लेवल पर ही भर्ती होनी है, तो PO वाले स्कूल में, यानी कि अपने इलाके के सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है। वहां आपको सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल जो भी आपका हाईएस्ट है वहां आपको मालूम चल जाएगा पदों की संख्या, क्योंकि वहीं से आपकी विज्ञप्ति वैकेंसी वगैरह ये आनी है। सैलरी बता देता हूँ आपको, सैलरी आपको घंटों के हिसाब से मिलेगी। अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 की बात करें, जो पहली से आठवीं तक के होते हैं, इसमें 21,000 रुपये अधिकतम मिलेंगे, 300 रुपये प्रति घंटा आपको सैलरी मिलेगी। वरिष्ठ अध्यापक की बात करें, जो 9वीं से 10वीं तक के पढ़ाएगा, उसको 350 रुपये प्रति घंटा या 25,000 रुपये अधिकतम घंटे के हिसाब से, और मैक्सिमम आपको बता देंगे, यानी कि घंटे के हिसाब से अगर मान लीजिए आपकी 25 से ज़्यादा बनी तो वो आपको नहीं मिलेगी, 25 ही मिलेगी। प्राध्यापक की बात करें, लेक्चरर व्याख्याता की बात करें, जो 11th 12th क्लास को पढ़ेंगे, उनको 400 रुपये प्रति घंटा या फिर 30,000 रुपये अधिकतम। प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 300 रुपये प्रति घंटा या 21,000 रुपये अधिकतम। PTI की बात करें तो भी 300 रुपये प्रति घंटा या 21,000 रुपये अधिकतम। तो ये आपका सैलरी का सिस्टम। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस, जब आप इसमें डॉक्यूमेंट लगाएंगे, इसमें कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखना है। आपको अपना फॉर्म भरना है, फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट लगाने, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो जो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका 75%, इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो वही रहेगी जो टीचर बनने के लिए, यानी कि जहाँ बीएड की जरूरत है वहाँ बीएड मांगेंगे, जहाँ आपको सीटेट की जरूरत है वहाँ सीटेट मांगेंगे, जहाँ आपको रीट की जरूरत है वहाँ रीट का सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो राजस्थान का मामला है ये, तो राजस्थान में यहाँ रीट चलेगा, तो रीट तो क्वालिफाई होना ही चाहिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, व्याख्या और उसके लिए भी, ठीक है। साथ साथ आपका बीएड भी जरूरी है, और इसके अलावा भाई आपकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसका 75%, और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों का आपके 25% अंक बाहर जुड़ेगा, तब आपकी मेरिट बननी है। अब इसका डेट मैं आपको देता हूँ, डेट शेड्यूल। तो 1 नवंबर तक खाली पदों का प्रकाशन हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर चल रहा है, दिवाली का महीना है, आप सबको हैप्पी दिवाली, है ना, मुझे बोल देना आप। तो 1 नवंबर तक खाली पदों का प्रकाशन हो जाएगा, पता लग जाएगा कुल खाली पद कितने हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। और 2 से 4 नवंबर तक आपको फॉर्म भरना है, तो बिल्कुल आपको एक्टिव रहना है नवंबर में ही। अपने जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो पता कर लेना है कि उसके अंडर में कितने स्कूल हैं और स्कूलों में कहाँ कहाँ वैकेंसी है, तो अपने इलाके में फॉर्म भरना फायदा आपको रहेगा। फिर
नवंबर को आवेदनों की सूची हो जाएगी। 5 नवंबर को आपको ये पता लग जाएगा कि किस पद के लिए किस स्कूल में कितने पद हैं, कितने कितने आवेदन आए हैं, किस किस सब्जेक्ट के। 7 नवंबर तक आपकी जो आवेदन है उनमें आपकी योग्यता की जांच हो जाएगी और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी जारी हो जाएगी। 11 नवंबर को आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट लेकर के जांच के लिए। तो डॉक्यूमेंट ले जाना अपने सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले, ठीक है, और साथ साथ फोटोकॉपी भी ले जाना। 12 नवंबर तक आपके चयन के आदेश जारी हो जाएंगे और 19 नवंबर को आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी, कार्य ग्रहण करवा दिया जाएगा। अब इसमें एक डाउट आप कर सकते हैं, भाई ये जो वैकेंसी है, काफी सारे भाई बहन ये कह रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है ये जो रिटायर्ड हो चुके टीचर्स है उन्हीं को दोबारा रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ क्लियर इस बात को आप मान के चलो। जहां वो नहीं मिलेंगे वहां आपको रखा जाएगा। तो कुल मिला के एक तरीके से देखा जाए तो ये अस्थायी वैकेंसी है, लेकिन चूंकि टीचर की वैकेंसी है अभी तक टीचर्स के मैक्सिमम पदों पर आंदोलन करके या जैसे भी है सरकार उनको परमानेंट कर देती है, तो ये भी आपको बेनिफिट मिल सकता है इन फ्यूचर। तो बैकडोर एंट्री का एक अच्छा ये जरिया है, आप चाहें तो ये बैकडोर एंट्री पा सकते हैं। राजस्थान में ये वैकेंसी नवंबर में हर हाल में शुरू हो जाएगी। अब ये टेंटेटिव डेट्स मैंने आपको बताई थी, इसमें अगर प्रोग्राम आगे पीछे होता है तो संभावना कम है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने राजस्थान में और सरकार दमादम घोषणाएं कर रही है और जो खाली पद उनको भर रही, चाहे संविदा पर भरे चाहे कैसे ही भरे, तो ये उसी का पार्ट है, उसी का प्रोसेस है। चलो, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।